ग्लेन मैक्सवेल ने गुवाहाटी में खेले गए मैच में अपने 2020 इंटरनेशनल का चौथा शतक जमाया। ये शतक उनका 100वें 2020 मैच में आया। इस दौरान 2020 इंटरनेशनल में वह रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि रोहित शर्मा के नाम भी 2020 इंटरनेशनल में 4 शतक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इसमें ग्लेन मैक्सवेल ने विनिंग शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 2 ओवर में मैच पलटा और भारत को हार का सामना करना पड़ा। गुवाहाटी में खेले गए इस रोमांचक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए थे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 123 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। इस मैच में रियल हीरो बनकर उभरे ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने शतक जड़ने के साथ एक बड़ा कारनामा भी कर दिया। मैक्सवेल ने टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सबसे ज्यादा 2020 शतक लगाने वाले बल्लेबाज 4 शतक रोहित शर्मा, 4 शतक ग्लेन मैक्सवेल, 3 शतक बाबर आजम, 3 शतक सबागुन डेविसी, 3 शतक कॉलिन मुनरो, 3 शतक सूर्य कुमार यादव। 223 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ट्रेविस हेड ने 35 रन और उन्होंने 16 रन की पारी खेली। इसके बाद जॉस इंग्लिश ने 10 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मार्कस टोनी 17 रन ही बना सके। ग्लेन मैक्सवेल ने टीम की पारी को संभाला और आखिरी के 2 ओवर में पूरा मैच पलट दिया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 21 रन की जरूरत थी और भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर डाला। इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद पर मैक्सवेल ने सिंगल लिया, तीसरी गेंद पर मैक्सवेल ने छक्का ठोका और चौथी गेंद पर फिर 4 रन आए। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी और अगली गेंद पर ही चौका आया और छठी गेंद पर भी चौके के साथ मैक्सवेल ने मैच फिनिश किया। और रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपको डेली क्रिकेट रिलेटेड ऑल अपडेट देते रहेंगे।